तो यार बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन अब हमें कभी नहीं दिखेंगे। उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कुछ शब्द कहे हैं जिसे मैं तुम्हें हिंदी में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। मैंने अभी अभी जेम्स और पीटर से बात की है और ये बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अब वापस सुपरमैन के रूप में नहीं लौटूंगा। जबकि स्टूडियो द्वारा अक्टूबर में मेरी वापसी की घोषणा की गई थी और मुझे हायर किया गया था, पर अब यह समाचार मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन अब यही जीवन है, पहरेदार का बदलना कुछ ऐसा ही होता है और मैं इस चीज का सम्मान करता हूँ। जेम्स और पीटर के पास निर्माण करने के लिए अब ब्रह्मांड है, जिसके लिए मैं उन्हें नए ब्रह्मांड के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और हाँ, उन लोगों के लिए जो वर्षों से मेरे साथ है, उन्हें मैं ये कहूंगा कि हम थोड़ा शोक बना सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें याद रखना चाहिए कि सुपरमैन अभी भी आसपास है और सुपरमैन जिस चीज के लिए खड़ा होता है वो चीज अभी भी मौजूद है और वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल की तरह है। केप पहनने की बारी अब मेरी बीत चुकी है और आप सभी के साथ मेरी नीचे और ऊपर की ओर एक मजेदार सवारी रही। तो भाई, दुख तो मुझे हो रहा है कि हेनरी कैविल अब हमें एज अ सुपरमैन नहीं दिखेंगे, पर मुझे दर्द हो रहा है इस बात का कि हेनरी कैविल एज अ विचर भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, मुझे उतना दुख नहीं होता अगर हमें ब्लैक एडम में उम्मीद ही नहीं दी गई होती तो, पर क्या कहें, डीसी ऑलवेज डिसअपॉइंट। पता नहीं क्यों आज मुझे जेंडिया की बात याद आ गई जो कि थी, इफ यू एक्सपेक्ट अ डिसअपॉइंटमेंट देन यू कैन नेवर बी डिसअपॉइंटेड। खैर छोड़ो, मैं सिर्फ डीसी से इतना बोलना चाहता हूं, ख्वाब दिखाता है मादरचोद, फोड़ी देंगे साला।